हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे? होप करता हूँ सारे लोग ठीक हो और भाई अपने अपने घरों में खूब ऐश काट रहे हो। मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ इंटरनेट पे एक प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है। वैसे तो इंडिया में रोज का सा कुछ ना कुछ चलते रहता है, पर इस वाले प्रोपोगेंडा को बस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यार ये लोग आपकी लाइफ के साथ खेल रहे हैं। बहुत सारे टिकटॉकर्स हो गए, बहुत सारे यूट्यूबर्स हो गए, इन बहनचोदों ने अपना जमीर तो बेच के खाई रखा है। साथ साथ ही इंटरनेट पे ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं जिनका असर आपकी हेल्थ के ऊपर पड़ सकता है। तो भाई वीडियो को एंड तक देखना, इनका पूरा एजेंडा झाड़ेंगे और इनकी गांड फाड़ दूंगा। कंट्रोल कंट्रोल उदय, तो वीडियो एंड तक देखना भाई। चलो शुरू करते हैं। चलो भाई देखो अपने क्या करते हैं। हाय गाइस, मुझे आप सबको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी थी अबाउट आर हेल्थ एंड कोविड-19। आपको पता है कि कितनी डेंजरस सिचुएशन चल रही है पूरे वर्ल्ड में, और सभी कंट्रीज एंड कंपनीज अपनी अपनी वैक्सीनेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अभी तक नहीं बनी। तो भाई वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं कि ये पूरा मसला क्या है। देखो भाई, हमारी इंडिया ने दो वैक्सीन को अप्रूवल दिया है। पहली वैक्सीन जो मेड इन इंडिया है, जिसको भारत बायोटेक बना रहा है, और दूसरी वैक्सीन जो अप्रूव्ड है, जिसका मास प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है। अब देखो भाई, इंडिया किसी चीज में आगे बढ़ रही हो और इंडियंस को दिक्कत ना हो, ऐसा हो सकता है? नहीं। तो अब सुनते जाओ फैक्ट्स के साथ, इनकी गांड फाड़ूंगा, सुनो। आज मैं हेल्थ से रिलेटेड कुछ बात करना चाहता हूँ यार। जैसे कि आप सब जानते हो और समझदार हो कि यार कोविड-19 की महामारी के बारे में कितनी खतरनाक है, राइट? तो यार कुछ कंपनीज अभी वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रही है। अबे भोसड़ी के कोशिश कर रही है? बहुत सारी कंपनियों ने भाई वैक्सीन बना ली और इनके प्री ऑर्डर भी स्टार्ट हो गए हैं। ये चार्ट देख ले इंग्लिश में, अपने किसी पढ़े लिखे दोस्त ने बुलाई है, वो समझा देगा तेरे को हिंदी में इसे। और कुछ बड़ी कंपनीज और सरकारें हर देश में इसको लेके विरोध करती है। कौन सी मतलब वैक्सीन चॉइस को लेके विरोध करती है? अरे बेटो, शुरू में ही हक दिया इस आदमी को। ये नहीं पता कि भाई गवर्नमेंट और ओपोजिशन में क्या फर्क होता है, और ये वैक्सीन के ऊपर ज्ञान चोदने चला है। क्या कह रहा है? सरकार अपने रूल खुद लाती है, फिर उसका विरोध भी खुद करती है। अबे पागल लेगा भाई तू है? मतलब इसके लॉजिक के हिसाब से मोदी जी खुद ही NRC लाएंगे और फिर बिरयानी के लालच में कुछ शाहीनबाग खाने भी चले जाएंगे। मतलब मोटा भाई 370 भी खुद हटाएंगे और संसद में आतंकवादियों की रिहाई भी खुद ही मांगेंगे। मतलब इमरान खान भीख मांगेगा? नहीं, वो तो भीख ही मांगता है। मां चोद दिए भैया जी आप तो। हर देश में इसको लेके विरोध करती हैं। अबे जाहिल के लड़के, गवर्नमेंट विरोध नहीं करती, ओपोजिशन विरोध करता है, इस चीज को समझ लो। तो भारत सरकार और AstraZeneca ने कोविड-19 की वैक्सीन के समझौते पर एक साइन किया था कि AstraZeneca भारत में वैक्सीन प्रोवाइड करेगी, राइट? और लेकिन बहुत सारे लोगों को इस चीज से अनजान है और काफी लोगों को डाउट्स भी है, तो मैं बताना चाहूंगा कि ये वैक्सीन थोड़ी कम इफेक्टिव है। मतलब 62% तक ही इफेक्टिव है। कम इफेक्टिव है मतलब 62% इफेक्टिव है? अरे भाई कभी स्कूल गए हो तो तुम्हें पता लगेगा जो नॉर्मल दवाई होती है वो 50% प्लस इफेक्टिव होती है, फिर भी भाई उसे यूज करा जा सकता है। 62% का मतलब बहुत ज्यादा बेटर होता है। क्या ही समझाऊं, मैं एक सोर्स अटैच कर रहा हूं, उसमें पढ़ लेना। लेकिन इसका एक एडवांटेज है कि ये बहुत ही चीप प्राइस में अवेलेबल हो जाती है। बेटा कभी स्कूल कॉलेज गया होता ना तो तेरे को पता चलता कि इंस्टाग्राम के अलावा भी भाई सब्जेक्ट होते हैं जिनसे नॉलेज मिलती है, नहीं तो बेइज्जती हो जाती है, जैसे तेरी हो रही है अभी। अभी ये जिस वैक्सीन की बात कर रहा है उस वैक्सीन के अभी 5 करोड़ ही डोजेस बन रखे हैं, और इसके हिसाब से बहुत ज्यादा इजीली अवेलेबल है, और भाई कहीं भी मिल जाएगी, मेडिकल स्टोर पे मिल रही है, मंदिर के बाहर खड़े होकर लग रही है। अरे साले एक स्क्रिप्ट मिल रखी है, बहन चो उसने तो ढंग से पढ़ना सीख जा, जाहिल। इसके इंटरनेट पे मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं जिसमें बताया गया है कि इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत हैं। तो मैंने बहुत मेहनत करके आर्टिकल्स रीड करके मैं इस मतलब ये कंक्लूजन पर आया हूं, मैंने वीडियो बनाई है। मेहनत करी, इसकी मेहनत मैं अभी निकालूंगा थोड़ी देर में। भाई इसने जो आर्टिकल शेयर कर रखा है ना, उसमें सबसे ऊपर टॉप पे लिख रखा है कि हम इस इन्फॉर्मेशन की कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेते, ये फॉल्स भी हो सकती है। तो मैंने बहुत मेहनत करके आर्टिकल्स रीड करके मैं इस मतलब ये कंक्लूजन पर आया हूं, मैंने वीडियो बनाई है। ना फिकर, ना शर्म, ना लिहाज, एक बार इसकी और इसकी टीम ने सेम आर्टिकल शेयर कर रखा है। भाई मेरे मन में इतनी गाड़ी आ रखी है ना, कौन सी दू बताओ, कौन सी दू? मैं एक छोटी सी दे देता हूँ। गाइस आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ। तो वो यूट्यूबर है जो अपनी हर वीडियो में बोलता है दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय 1xyz, और भाई फुटबॉल में सट्टे लगाओ, क्रिकेट में सट्टे लगाओ, तुम्हें $100 साइन अप बोनस भी मिलेगा, वही है ना तू? AstraZeneca वैक्सीन ने बोला कि हमारी वैक्सीन 90% इफेक्टिव है। कहां बोला बहन जो? सोर्स डालता ना एक भी जगह, भाई इसने सोर्स नहीं डाला। अभी तुम रुक जाओ, अभी बहुत दिनों बाद तेल लगा के डाबर का नाम मिटा दूंगा। बट रिसर्च में पाया गया कि AstraZeneca वैक्सीन सिर्फ और सिर्फ 70% इफेक्टिव है। अभी सेम चीज में कोई 62% बोल रहा था, और भाई वो तो मेहनत भी करके आया था। थोड़ी कम इफेक्टिव है, मतलब 62% तक ही इफेक्टिव है। AstraZeneca वैक्सीन सिर्फ और सिर्फ 70% इफेक्टिव है। अब बताओ किसके फैक्ट गलत है, इसके या उसके? साथ ही साथ AstraZeneca वैक्सीन के बहुत सारे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि AstraZeneca वैक्सीन बेस्ड है chimpanzee adenovirus, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। लोग भाई इसको जिम
ट्रेनर मानते हैं, और भाई हमारे जिम ट्रेनर को देख लो, ना आंड का पता ना गांड का, और ज्ञान चोदेंगे ब्रह्मांड का। एक काम करो भाई, मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल रहा हूँ एक सोर्स का, उसको जाके पढ़ना, और इसकी इंजेक्शन लगी और मसल्स पे चिपका के आ जाना प्लीज। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लोग एक ही फायदे के लिए यूज कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत सस्ती है। खैर, हमारे भाई को थोड़ी सी ज्यादा फंडिंग मिल रखी है तो भाई इसने दो वीडियो बना दी, चलो दूसरी को और देखते हैं। जैसा कि आप लोगों को बताया कि कोरोना वायरस चल रहा है, ये पेंडेमिक है, वैक्सीन आने लगी है, बहुत सारी वैक्सीन आ गई है। अब आप बोलोगे भाई इसकी बातें सुनी सुनी सी लग रही है, भाई बिल्कुल सही कह रहे हो, थोड़ी देर में बताऊंगा कि क्या सीन। 62% एफिशिएंसी है उसकी, 62%, बाकी का जो बचा 38% है उसका क्या? अभी थोड़ी देर पहले क्या बोल रहा था, अब देखो क्या बोल रहा है। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन सिर्फ और सिर्फ 70% इफेक्टिव है, 62%, बाकी का जो बचा 38% है उसका क्या? गांडू किसी एक का तो हो रहे भोसड़ी के, किसी एक का तो हो। भाई देखो, थोड़ी पढ़ाई लिखाई नहीं करी, थोड़ी शर्म तो कर लेता यार, दोगलापंती की हद होती है भाई। अब मैं आपकी कुछ चीजें क्लियर करूंगा कि ये सारे लोग एक जैसा साउंड क्यों कर रहे हैं। ब्रो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है, 62% इफेक्टिव है, और वो इसलिए बिक रही है बिकॉज ऑफ उसका चीप रेट है बहुत। यही नहीं, अभी और सुनिए। कंपनी है एस्ट्राजेनेका जिन्होंने गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक डील साइन करी है कि जितनी भी वैक्सीन है वो इंडियन सिटीजन को दी जाएगी। एंड यस गाइस, ये सिर्फ 60% इफेक्टिव है वैक्सीन। अभी और सुन, कहा जा रहा है कि 62% ही इफेक्टिव है ये जो वैक्सीन है। बकवास करते हैं भाई, ये एक पेड कैंपेन है, और ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड भी हो सकता है, या फिर कोई कंपनी भी करा रही हो सकती है, कुछ भी हो सकता है भाई, पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। पहली चीज की एस्ट्राजेनेका से अच्छी भी वैक्सीन्स बन रखी हैं, जिसमें एक का नाम है फाइजर, जिसकी एफिशिएंसी 98% है, पर उसके साथ दो दिक्कतें हैं। पहली ये कि भाई उसको -70 डिग्रीज में स्टोर करना पड़ता है, और दूसरा ये कि वो पहले से बुक कर ली गई है, मतलब हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हालांकि उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं यार, हर चीज के होते हैं, पर जो चीज अवेलेबल नहीं है तो उसको कैसे खरीदें। तो भाई इस टाइम हमारे पास सिर्फ दो ही वैक्सीन्स हैं जिसका अप्रूवल दिया है WHO ने और दूसरी कंट्रीज ने। अब ये जाहिल बार बार चीख के बोल रहे हैं कि सरकार इस वैक्सीन को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि भाई ये बहुत ज्यादा चीप है, बहुत ज्यादा सस्ती है। भाई देखो, इसको लेने का पहला रीजन तो ये कि दूसरी वैक्सीन कोई अवेलेबल नहीं है, और दूसरी बात ये है कि भाई ये वैक्सीन बिना प्रॉफिट के मार्केट में आई है। जाके पढ़ लो भाई आर्टिकल में, यार थोड़ा पढ़ना लिखना सीख जाओ भाई, पढ़ो डिस्क्रिप्शन में लिंक पढ़ लो। और ऐसा इसलिए क्योंकि कोरोना के चक्कर में बहुत सारे देशों की इकोनॉमी हिल चुकी है, अगर वो महंगा वैक्सीन लेंगे तो भाई उनके देश की और भी बुरी हालत हो जाएगी। इसलिए भाई इन वैक्सीन वालों ने खुद ही पब्लिकली अनाउंस करा है कि हम एस्ट्राजेनेका को मार्केट में लाएंगे विदाउट एनी प्रॉफिट मार्जिन। अब चलो एक टाइम के लिए मान लेते हैं कि भाई एस्ट्राजेनेका बहुत ज्यादा खराब वैक्सीन है, चलो बहुत खराब वैक्सीन है भाई, बहुत ज्यादा, पर ये यूके, कनाडा, यूएस, ये डेवलप्ड कंट्रीज जो है, ये क्यों खरीद रही है इसको, और वो भी भाई 6-7 डोज पर पर्सन के हिसाब से खरीद रही है। पर इनको कहां नॉलेज होगी, जो हमारे देश में पंचर वंचर जोड़ रहे हैं इनको ज्यादा नॉलेज होगी ना यार। ये एक पेड एजेंडा के चक्कर में कैंपेन चलाया जा रहा है, उसमें सबकी, तुम सबकी वीडियो देखो, सेम वर्ड, सेम 62%, सेम आर्टिकल, सेम बोल क्या ही गाली बको इनको। तो भाई तुम समझो, ये साड़ी ने तो देश बेच, इन्हें अपना जमीर बेच के खा रखा है, तुम इनकी बातें मत सुनो भाई। पैसे के चक्कर में ये लोग इतने गिर जाएंगे, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोची थी। जिन चीजों का तुम प्रमोशन करते हो ना, उन चीजों का मैं लिंक डाल दूंगा, उन जैसी एप्स का, वहां पे जाओ, उन पे पैसा लगाओ, और सट्टा वट्टा जो तुम्हें खेलना है खेलो, और भाई उनसे पैसा कमाओ। मेरा नाम लिखोगे ना तो कंपनी तुम्हें 10-20 हज़ार का बोनस भी दे देगी। बाकी भाई वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर करना, लाइक कमेंट बेशक मत, कमेंट कर देना, लाइक बेशक मत करना, पर इसको शेयर जरूर करना। और भाई इन जैसे चूते से दूर रहो यार, इनकी वीडियोस आने साले रिपोर्ट मारो इनको ना, खुद अकल है क्या कर रहे हैं। वैसा कल तो इनको खूब है, पर पैसे के चक्कर में मुंह बंद कर लेते हैं। और भाई इनको इग्नोर करो, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरा दूसरा चैनल है मेन चैनल, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लो, वहां भी करते रहता हूं मैं कुछ, कहीं आ गया होगा LV_यादव। थैंक यू। हिंदू भाइयों, शेर बनो, जवाब दो ना, शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो।